पूरे देश सहित महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टर भी शासन प्रशासन की नीतियों से नाराज ही नहीं परेशान भी है। आज आरटीओ के चालान, टैक्स, इंश्योरेंस, डीजल, इन सब के रेट में बढ़ोतरी ने बचा हुआ ट्रांसपोर्ट व्यापार को मानो खत्म ही कर दिया है। आइए जानते हैं नागपुर स्थित अभिनव रोड लाइंस के संचालक धर्मवीर कुमार से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की मंदी की वजह। ट्रांसपोर्ट की स्थिति तो अभी दिनों दिन में बदतर होते जा रही है। डीजल के भाव, टोल टैक्स के भाव इतने बढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको बेयर नहीं कर पा रहे थे, अभी भी नहीं कर पा रहे। और ट्रांसपोर्ट में कंपटीशन होने के कारण है कि रेट धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। डीजल की रुपये से व्यापार में क्या? डीजल से तो बहुत फर्क होता है ना, डीजल पर तो हमारा कुछ मिलता होगा। डीजल आधारित हम लोग होते हैं, डीजल का रेट बढ़ जाते हैं, हमारे गाड़ी वाले बढ़ जाते हैं और पार्टी आए तो डीजल के रेट बढ़ने के बाद भी हमें उस वो रेट नहीं दे पाती। फास्टैग की सुविधा भी सरकार ने प्रदान की है तो क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है? फास्टैग का बेनिफिट मिल रहा है, फास्टैग का तो है, फास्टैग ठीक अच्छा है। आरटीओ के टैक्सेस डीजल बढ़ने से व्यापार में क्या मंदी आई है? आरटीओ का टैक्स बढ़ने से तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो हमारे जो गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ हैं वो टैक्स इतना, और आरटीओ का जो अभी चालान जो हो गया बहुत ज़्यादा चालान हो गया, वो इतना तो नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए था। आरटीओ के छोटे जो गाड़ी है, जो हम लोग गाड़ियों के 8 टन की पासिंग वाली गाड़ी है, उसको मतलब कि बढ़ा के भी नहीं दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी इसको 8 टन की गाड़ी है, इसको 10 टन पासिंग दिया जाए। आज जब टैक्सेस और डीजल का रेट बढ़े हैं तो क्या आपके व्यापार में भी वृद्धि हुई है या फिर उससे काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है? नुकसान हुआ, वृद्धि तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ। अभी 2 लॉकडाउन आपने देखे हैं, तीसरा लॉकडाउन अगर लगता है तो क्या स्थिति रहेगी व्यापार की? इससे और भयभीत हो जाएगा, जो अभी कंडीशन है उससे ज़्यादा और खराब स्थिति होगी।